रिलायंस डिजिटल इस बार 26 जनवरी को 26% कैशबैक देने का इरादा बना लिया है। अभी 16% तो कैशबैक सभी के लिए होगा जिसके पास क्रेडिट कार्ड है नहीं है, मतलब सभी प्रोडक्ट पे सभी के लिए। बाकी का 10% उनको देंगे HDFC, कोटक महिंद्रा या फिर सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, तो 10% आपको अलग से बोनस डिस्काउंट मिलने वाला है। टोटल 26% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ 3 दिन का मौका है, 25 से 27, सिर्फ 3 दिन का मौका है, तो जाके फटाफट जाके आप भी शॉपिंग कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को कर दीजिए शेयर, क्योंकि जो गिवअवे में पार्टिसिपेट करते हैं उनको शेयर करना वीडियो को बहुत जरूरी होता है। दूसरी खबर आ रही है BSNL की तरफ से, उनका एक नया प्लान 269 का एक नया प्लान आया है। बेसिकली ये सब दिन के लिए प्लान नहीं है, 26 से 31 जनवरी तक के लिए। बेसिकली 26 जनवरी का ये ऑफर आप बोल सकते हैं, मतलब साफ है कि इंडिया के आप किसी भी कोने में रहते हैं, BSNL कार्ड सिम कार्ड यूज करते हैं, तो यह ऑफर आपके लिए एप्लीकेबल होगा। 269 का अगर आप रिचार्ज करते हैं तो 2600 मिनट का आपको मिलेगा कहीं भी आप बात करने के लिए, और चूंकि 26 जनवरी है तो 2.6 GB डेटा भी मिलेगा और 26 दिन वैलिडिटी होगी और 260 SMS भी मिलेगा, मतलब सब कुछ 26 26 26, क्योंकि 26 जनवरी का ये ऑफर आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में यार ये 269 वगैरह का कोई रिचार्ज करता है क्या। एक से एक एयरटेल, BSNL, आइडिया, वोडाफोन सबके फ्री वाले ऑफर है, जो BSNL के भी फ्री वाले हैं, तो ये 269 का कौन कराता रिचार्ज। Xiaomi का नया खबर, Xiaomi Go फोन। Go वर्जन के बारे में मैंने पहले बताया था कि ये एक बेसिकली Android ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर लेटेस्ट Android 8 की ही बात कर ले, वैसे तो 9 भी आ गया है लेकिन Android 8 की ही बात कर ले तो ये लेटेस्ट Android के साथ में तो आता है, और इसके जितने भी एप्लीकेशन चलते हैं ना सारे Go वाले, जैसे YouTube Go, Google Map Go, Facebook Go, Facebook Lite आता है, तो कुछ इस तरह के Go वाले एप्लीकेशन चलते हैं। ये बेसिकली Go का क्या होता है, ये लाइट वर्जन के एप्लीकेशन होते हैं। अगर RAM 1 GB भी, स्टोरेज 8 GB भी है तो स्टोरेज भी स्पेस बहुत कम लेता है और कम RAM में अच्छे से ये काम करता है। Xiaomi का एक नया फोन Go वर्जन के लिए बहुत जल्द आ सकता है। अब इस फोन का नाम Xiaomi Go कर लीजिए, अभी तो एग्जैक्टली नाम क्या है लीक्स पता चले, कंफर्म तो कुछ नहीं है। तो अगर Xiaomi Go फोन आता है तो ऐसा Xiaomi का कहना है कि 5000 से नीचे तक में यह फोन आ सकता है। आई थिंक मेरे हिसाब से 5000 रुपया अगर आप फोन में लगा रहे हो Go वर्जन में, तो 1000 और ज्यादा लगा के आप नॉर्मल जो 5-6 से जो फोन आते हैं ना उस टाइप का कोई फोन ले लो, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें 2 GB रैम मिलेगी, 16 GB कम से कम रोम मिल जाएंगे, 8 GB आज के डेट में कुछ भी नहीं होता है, वो बेकार है मेरे हिसाब से। 1 GB रैम में क्या हो जाएगा आज के डेट में, तो 5 बजट आ ही गया है तो 6 तक में आप लेके ये फोन ले सकते हैं। हालांकि इस फोन में भी 5 इंच का HD डिस्प्ले, 16.9 इंच एस्पेक्ट रेशियो वाला ये फोन मिलेगा, स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर दे रहे, 3000 लगभग MAH की बैटरी होगी, ऑलमोस्ट ये सब चीज तो नॉर्मल फोन में आपको मिल जाता है। गाइस टाटा स्काई की तरफ से जो खबर है ना आप थोड़ा समझिएगा, क्योंकि टाटा स्काई अगर आपके पास घर में लगा हुआ है तो ये न्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि टाटा स्काई ने एक ऐसा ऐलान किया कि जितने भी बड़े चैनल्स, जो बड़े पैक्स थे, मतलब 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, बेसिकली 1 ईयर का ही फोकस किया है, कि अगर 1 ईयर का तो जो प्लान है पहली बात की वो तो बंद कर दिया, अब तो कोई लॉन्ग ईयर लॉन्ग वैलिडिटी वाले जो प्लान है वो तो आपको मिलने नहीं जा रहे हैं, और जिनकिया ऑलरेडी रिचार्ज कराया है उनका पैसा पेंडिंग, मतलब उनको पैसा तो वापस नहीं मिलने जा रहा, उनका पैसा होल्ड पे रख दिया गया, ब्लॉक करके रख लिया गया, ऐसा आप समझ लीजिए। और जैसे आप कोई नया सब्सक्रिप्शन लेते हैं मंथली वाला या फिर कोई चैनल वाला सब्सक्रिप्शन, उससे आपका पैसा एडजस्ट करा दिया जाएगा। हिसाब किताब से भैया पैसा लगाना कभी भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी प्लान नहीं ले लेना। अगर 1 महीना और 1 साल में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है तो जरूरत नहीं 1 साल के लिए, धीरे धीरे हम लोग लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसके बाद जो खबर है रिलायंस जियो का है, इसलिए वीडियोस को पहले लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी 10 से बजा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। एक कंपनी है पिपास ग्रुप, उसकी तरफ से एक सर्वे हुआ है। इस सर्वे में ये बता रहे हैं कि जो रिलायंस जियो के जो सब्सक्राइबर है ना, वो तो आपको भी पता है दिन प्रतिदिन बढ़ते 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 ही चला जा रहे हैं। 2018-19 के जो फाइनेंशियल ईयर सेकंड हाफ का जो हुआ वहाँ पे इन लोगों ने ये बताया कि 70 लाख सब्सक्राइबर पर मंथ के हिसाब से उनके बढ़ोतरी हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो 2020 तक यह रिलायंस जियो जो है इंडिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस वाला ऑपरेटर बन जाएगा। रिलायंस जियो में सब कुछ अच्छा है बट कहीं कहीं पे जो इंटरनेट की स्पीड है ना वो बहुत घटिया चलती है। आपके एरिया में रिलायंस जियो की स्पीड कैसा है नीचे कमेंट में हमें जरूर से बताइएगा। गाइस वीडियो खत्म, मैं आपको बताता हूं जो कल टेक प्राइम हुए थे जो विनर है उनका नाम है ऑल इन वन, कोई शायद कोई इनका एक चैनल ही है, तो उनको मिलते हैं ये सोनी के हेडफोन्स। अगर आप भी जीतना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मैं भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब दीजिएगा तो शायद आप भी जीत सकते हैं ये हेडफोन्स। गाइस सवाल यह है कि Xiaomi का कौन सा नया फोन आने की संभावना है, नीचे कमेंट में फोन का नाम लिख दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अदरवाइज आप इस गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टेक टाइम में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।